हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सी ट्रेडर्स में। ट्रेडर्स बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक्स को जो आने वाले कमिंग डेज में एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, और मैंने इस स्टॉक को कितनी बार रिकमेंड किया है ये बताना नामुमकिन है कि मेरे यूट्यूब चैनल नर्सी ट्रेडर्स पर जाएंगे तो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड को मैंने बहुत बार डिस्कस किया है कि बाइंग करके होल्ड करने के लिए। ये स्टॉक के अंदर बहुत पोटेंशियल है अपसाइड में, और फ्यूचर देखा जाए इलेक्ट्रा ग्रीन का, ग्रीन टेक लिमिटेड का, तो बहुत ही ब्राइट है। जहाँ तक आपको पता होगा कि इलेक्ट्रा ग्रीन ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले कमिंग डेज में आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर ब्राइट है, और आने वाले सरकार भी, इंडियन गवर्नमेंट भी और अदर फॉरेन कंट्री भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर जोर दे रहा है। तो मेरा मानना है ये है कि इलेक्ट्रा ग्रीन और भी जो भी कंपनियां जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड काम कर रही हैं, मेरा मानना है कि उन सारी कंपनियों में आने वाले 2025 तक एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगा। मगर अभी संदर्भ में अभी जो लो प्राइस पे ट्रेड करता हुआ और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड ट्रेड कर रहा है एक अच्छे मार्केट कैपिटल 2.96 ट्रिलियन करोड़ पे, मेरा मानना है कि इस स्टॉक के अंदर 2.96 ट्रिलियन करोड़ का मार्केट कैपिटल वाला स्टॉक है, और मेरा मानना है कि इस स्टॉक के अंदर आपको बाइंग करने की सलाह है। और मुझे आपको बताते हुए ये खुशी हो रहा है कि पिछले दो से तीन दिनों के अंदर इस कंपनी ने, इधर अगर 5 दिनों का सिर्फ रिटर्न देखोगे तो 12.52% देखने को मिल रहा है, ठीक है। और पिछले 2 दिनों के अंदर इलेक्ट्रा ग्रीन के अंदर ट्रेडर्स अगर हम बताएं तो आपको ये देखने में, देखकर आपको आश्चर्य होगा कि 2 दिन के अंदर इस कंपनी के अंदर 10% तक का मोमेंटम दिया है सिर्फ 2 दिन के अंदर। 2 दिन से अपर सर्किट लगा रहा है, और मेरा मानना ये है, और इस इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड के अंदर एक न्यूज भी है जो एक, ये अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पे देखिए बल्क डील हुआ है यहाँ पे 4 दिन पहले, और 4 दिन पहले कहने का मतलब सैटरडे और संडे और फ्राइडे, 3 दिन अगर जोड़ा जाए, देखिए फ्राइडे भी दो, अगर आप देखिएगा फ्राइडे सैटरडे और संडे ये मिलाकर 4 दिन हो रहा है, और पिछले मतलब गुरुवार और बुधवार को ये 5% तक का अपर सर्किट लगाया है, ठीक है ट्रेडर्स। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक फॉरेन इन्वेस्टर है, उन्होंने 3.5% स्टेक बाय किया है, ठीक है, 3.4% एक स्टेक इन इलेक्ट्रा ग्रीन टेक। अगर ये आप बात देखोगे जिसके कारण इस स्टॉक के अंदर एक तेजी देखने को मिल रहा है, मेरा मानना है कि अगर आप ये नहीं भी बाई किया गया होता 3.4% ना ट्रेडर्स, ये स्टेक बहुत बड़ा स्टेक बाई किया गया है, कोई 1% नहीं है, ये 3.4% स्टेक बाई किया गया है। तो मेरा ये मानना है कि इस स्टॉक के अंदर आपको जबरदस्त तेजी ये लगातार 5% तक, मुझे लगता है कि ये 420 रुपये से इधर नहीं रुकने वाला है। तो ट्रेडर्स मुझे ये कहना है कि इस स्टॉक के अंदर एज ए फ्यूचर पर्पस, एज ए लॉन्ग टर्म होल्डिंग, एज ए अपने मतलब सन, बेटा बेटी का अगर फ्यूचर प्लानिंग, जैसे बेटी की शादी के लिए पैसा, अगर बेटे को फॉरेन पढ़ाना चाहते हैं फॉरेन में, अगर अपना इन्वेस्टमेंट चाहते हो कि रखने के लिए कि 60 साल के बाद आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करे, तो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड एक अच्छा स्टॉक है, ठीक है, कि अगर 60 साल के उम्र के बाद एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान भी अगर हो तो इस स्टॉक को अंदर होल्ड बाई करके होल्ड करने का एक अच्छा समय है, ठीक है। SIP करना है, SIP कीजिए, और साथ में ही SIP के साथ अगर बात करें ट्रेडर्स, आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो, साथ में ही बच्चे के फ्यूचर प्लानिंग के लिए अगर कर रहे हो इलेक्ट्रा ग्रीन बढ़िया है, साथ में ही बेटी के लिए भी अगर कर रहे हो शादी के लिए, तो इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आने वाले 2025 में आपको इस स्टॉक के अंदर एक तेज़ी, बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का दौर शुरू हो चुका है, और आने वाले कमिंग डेज में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स जो आपको 700 से लेकर 1200 रुपये तक का टारगेट्स देखने को मिलेगा ट्रेडर्स। ये तो शुरुआती दौर है ट्रेडर्स, अभी तो तुरंत हाल ही में मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल आए हैं, मगर आप यकीन माने कि 2 से 3 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल छा जाएगा मार्केट के अंदर, तो इलेक्ट्रा ग्रीन को बाई करने की सलाह है। चलिए हम चलते हैं एक इसके टेक्निकल चार्ट पे, और टेक्निकल चार्ट भी यही कह रहा है कि इसके अंदर पिछले मतलब बुधवार के दिन ही ब्रेकआउट हुआ है, और इस स्टॉक में लगातार मोमेंटम देते हुए जा रहा है, तो मेरा मानना है कि इसमें बाइंग करके होल्ड करने की सलाह है। एक बार चलिए इसके टेक्निकल चार्ट्स को भी रीड कर लेते हैं हम ट्रेडर्स। ए इलेक्ट्रा ग्रीन का डेली का चार्ट है, ठीक है, ये डेली और वीकली चार्ट भी देख लीजिए आप। वीकली चार्ट को भी अगर ट्रेडर्स देखोगे ना, तो ये 55 रुपीज़ पर 2021 में ये 55 रुपीज़ के शुरुआती मंथ में, मतलब जनवरी में, ये जनवरी 5 जनवरी 2021 मान लीजिए, या जनवरी 1 अप्रॉक्स जनवरी में ही ये 55 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा था।
2021 में, और 2021 के 6 महीने में ऐसा क्या हुआ कि इस स्टॉक ने लगातार एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिला और ये स्टॉक में अंचल लगातार तेजी देखने को मिल रहा है। 55 रुपये से लगातार ये 360 रुपये पर आ रहा है ट्रेडर्स, आप देख सकते हो। और इसके नीचे अगर आप टाइम देखोगे ना ट्रेडर्स, तो इसके नीचे टाइम देखिएगा 2021 ही है, और उसके बाद इस स्टॉक के अंदर एक तेजी देखने को मिला जो तेजी आपको 360 रुपये तक लेकर गया। ये तो वीकली चार्ट है ट्रेडर्स, ये जो चार्ट आप देख रहे हो ट्रेडर्स वीकली चार्ट है। चलिए आप डेली के मंथली चार्ट पर भी देखोगे ट्रेडर्स, तो मंथली चार्ट भी एकदम पॉजिटिव और ब्रेकआउट इंडिकेट कर रहा है। देखिए ये ब्रेकआउट इंडिकेट कर रहा है ट्रेडर्स, अगर आप ये भी देखोगे ना तो ब्रेकआउट है ट्रेडर्स मंथली चार्ट पर भी। अगर क्वार्टरली चार्ट पर ट्रेडर्स देखें तो क्वार्टरली चार्ट्स पे भी ब्रेकआउट और विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी है। अब चलिए डेली के चार्ट पर देखते हैं ट्रेडर्स, डेली के चार्ट पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाता हुआ स्टॉक ये अब ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है ट्रेडर्स, ठीक है। तो इस स्टॉक के अंदर भी ब्रेकआउट है, और मेरा मानना है कि इस स्टॉक के अंदर एक जो 3.4% तक का स्टॉक बाइंग किया गया है इन्वेस्टर की तरफ से, तो मेरा मानना है कि इस स्टॉक के अंदर 400 के एवव ही ये रुकने वाला है। तो बाइंग करके होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, आपको एक अच्छा पैसा इसके अंदर मुनाफा आपको मिलेगा जरूर मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट करने की सलाह है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी लगाना हो लगाइए, और होल्ड कीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेटली। ये न्यूज़ भी आपको 3.4% तक का स्टेक बाइंग एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अगर पहले अगर नहीं बाई कर रखे हो तो बाई करके होल्ड करने की सलाह है ट्रेडर्स। आपको फ्यूचर पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इलेक्ट्रा ग्रीन बेस्ट है। एक आपको इससे पहले भी इलेक्ट्रा ग्रीन के साथ साथ एक और स्टॉक बताया था, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही है ट्रेडर्स, वीडियो अच्छा तो लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।